हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.5 के एग्जांपल्स को पूर्ण करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि विद्यमान हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ये ऑलमोस्ट 8.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तो इसमें क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, यदि हम इस स्टेप पर फोकस करें तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा और इसका योग हमेशा होता रहेगा 3 के साथ। इसका मतलब इस फलन का न्यूनतम मान होगा 3, जबकि अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं होगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन जिसको हम लोग आगे हल करने के लिए 9x² + 12x और यहाँ पर योग कर देते हैं 4 का और 4 का अंतर कर देते हैं और आगे चाह रहा है प्लस का 2, जिस पे यदि मैं यहाँ तक फोकस करूँ तो ये बन सकता है 3x² + 2×2 और गुणा में आ जाएगा 3x और प्लस में जो यहाँ पर लिखा है 4, ये बन सकता है 2 का स्क्वायर। और यदि इन दो पदों का अंतर लें तो यहाँ पर बन सकता है -2, यानी ओवरऑल ये बन रहा है a + b² यानी 3x + 2² और -2, जो कि हमारे पास दिए गए फलन का मान होगा जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये बिल्कुल ए पार्ट के जैसा ही है, जिसमें इस स्टेप का मान हमेशा पॉजिटिव होगा जिसका योग होता रहेगा हमेशा -2 के साथ। इसका मतलब इस पद का न्यूनतम मान -2 होगा जबकि अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है, और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट सी पार्ट में दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, यदि इसमें हम इस स्टेप पर फोकस करें तो ये वर्ग के साथ लगा हुआ है माइनस, जिससे ये ऑलवेज रहेगा माइनस वाला पद, और इसका मतलब इसका अंतर हमेशा किससे लिया जाएगा 10 से। तो इसका अधिकतम मान रहेगा हमेशा 10 और जबकि न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ये वैल्यू और भी छोटी होती जाएगी, यही आपके इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट डी पार्ट में दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए इसका अवकलन करें तो dy/dx का मान बन जाएगा 3x² जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, और एक्सट्रीम पॉइंट की जांच करने के लिए इसका एक बार और अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2y/dx2 जिसका मान हमें मिल जाएगा 6x समीकरण नंबर 3। एक बार और इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा d3y/dx3=6 जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखा जाएगा 0, यानी कि 3x² को रखा जाएगा 0, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा 0, यही एकमात्र एक्सट्रीम पॉइंट होगा। इसको हम यहीं हल कर रहे हैं। अब हम x = 0 पर d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं जिसका मान लिखा हुआ है 6x, तो आएगा 6×0 यानी कि 0, जो कि अशून्य है। जब कोई अशून्य अवकलज मिल जाता है तो हम उसी बिंदु पर अगले अवकलज का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है d3y/dx3, और यदि उसका मान देखें तो उसका मान कांस्टेंट है यानी कि 6। इसका मतलब x = 0 पर अगले अवकलज का मान हमें प्राप्त होगा 6, जो कि नॉन जीरो है, और इसकी यदि कोटि देखी जाए तो आ रही है 3 यानी कि विषम, और यदि अशून्य होने वाला अवकलज विषम कोटि का हो तो उस बिंदु पर ना तो फलन अधिकतम होता है और ना ही न्यूनतम, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिए गए फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए इसका यदि एक बार अवकलन करें तो dy/dx का मान मिल जाएगा 5x⁴ -20x³ प्लस में आ जाएगा 15x², जिसमें से यदि हम 5 और x² को कॉमन ले लें तो शेष बचेगा x - 4x और प्लस में बच जाएगा, यहाँ पर x² आएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3।
जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो यह है 5x2। इसके गुणनखंड करना चाहें तो हो सकते हैं x-1 और x-3। यह हमारे पास dy/dx का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। एक्सट्रीम पॉइंट की जांच करने के लिए एक बार और अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2y/dx2, और उसके लिए हम इस स्टेप का अवकलन करने वाले हैं, जिसका उत्तर बन जाएगा 20x³ - 60x² और प्लस में आ जाएगा 30x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। और इसका एक बार और अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर आगे वाले अवकलज की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वह हमें मिल जाएगा 60x² - 120x और प्लस में 30, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोग dy/dx को रखेंगे 0 के इक्वल, जिससे हमें मिलेगा 5x² x-1 x-3 का गुणा 0। यदि 1 के गुणनखंड को हम 0 रखें 5 का भाग लगाने के बाद, तो हमें x के मान मिलेंगे 0, 1 और 3। ये हमारे 3 एक्सट्रीम पॉइंट हैं। इनकी हम जांच करने वाले हैं d2y/dx2 में रखकर। सबसे पहले लेते हैं x = 0 पर। यदि हम उस पर दूसरे अवकलज का मान ज्ञात करेंगे, जो कि ये वाला पद है, इसमें x का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमें प्राप्त होगी 0, और हमें वैल्यू चाहिए होती है नॉन जीरो। इसके लिए हम x = 0 पर अगले अवकलज का मान भी ज्ञात करेंगे, और जब मैं नेक्स्ट अवकलज इसका मान ज्ञात करूँ x = 0 रख के, तो हमें मिल जाएगा 30, जो कि नॉन जीरो है। लेकिन ये नॉन जीरो होने वाला अवकलज विषम कोटि का है, इसका मतलब x = 0 पर ना तो फलन उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट, यानी कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मिलने वाली, और यही इस पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट x = 1 पर। यदि हम इस पर d2y/dx2 का मान ज्ञात करें तो हमें मिलेगा 20 - 60 प्लस में 30, ओवरऑल वैल्यू आएगी -10, जो कि है <0, यानी कि नॉन जीरो। और जब वैल्यू <0 आए तो इसका मतलब x = 1 पर फलन उच्चिष्ट होगा। और ये मान जब हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें फलन का उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। ये हमें यूज़ करना है समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें मिलेगा f1, और वो वैल्यू आएगी 1 - 5 + 5 - 2, यानी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -1। ये इसका दूसरा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x = 3, जिस पर हम पुनः d2y/dx2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें मिलने वाला है 20 × 3³ - 60 × 3² प्लस 30 × 3। यदि हम इसको हल करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 540 - 540 प्लस 90, जिसमें से ये पद कैंसिल होकर ओवरऑल उत्तर बना देंगे 90, जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि नॉन जीरो है। अब जब d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब उस बिंदु पर हमें निम्निष्ट मिलेगा, यानी फलन निम्निष्ट होगा। और ये x = 3 जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें निम्निष्ट मान मिलेगा। तो जब x = 3 हम समीकरण 1 में रखें तो हमें मिलेगा f3, और वह बन जाएगा 3^5 -5 × 3^4 प्लस 5 × 3^2 और -2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -29, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया फलन ये वाला है, जिसको हमने पहले y और fx के इक्वल मानकर नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए यदि इसका अवकलन करें तो y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx। इसको यदि हम u·v से अवकलन करें तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का अवकलन बन जाएगा 5 × x-3^4 प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़कर यदि हम लोग फर्स्ट का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 6 × x-2^5। अब इसको आगे हल करने के लिए इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x-2^5 और x-3^4,
तो हमारे पास शेष बचेगा 5 × x-2 प्लस 6 × x-3, जिसको और अधिक हल किया जाए तो x-2 की घात 5, x-3 की घात 4 और अंदर बन जाएगा 5x-10 प्लस 6x-18। ओवरऑल x-2 की घात 5, x-3 की घात 4 और अंदर शेष बचेगा 11x-28, जो कि dy/dx का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आगे स्पष्ट है कि इसका यदि नेक्स्ट अवकलज ज्ञात किया जाएगा तो वह और भी मुश्किल होगा, और अगर हमें उससे भी आगे अवकलन करने की आवश्यकता पड़ी तो वह और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व ना करते हुए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम पहले ज्ञात कर लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स को, जिसका मतलब होता है dy/dx = 0। अब यदि इन सभी पदों को 0 के इक्वल रखा जाए तो हमें x के मान मिलेंगे 2, 3 और 28/11, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। अब इन बिंदुओं की हम जांच करेंगे कि इन बिंदुओं पर फलन उच्चिष्ठ होगा या निम्निष्ठ होगा, और उसके लिए सबसे पहले x = 2 पर यदि हम <2 पर dy/dx का मान ज्ञात करेंगे तो वह हमें प्राप्त होगा पॉजिटिव, और यदि हम x के मान 2 से ज़्यादा पर dy/dx का मान ज्ञात करेंगे तो वह हमें प्राप्त होगा नेगेटिव। इसका मतलब x = 2 पर dy/dx का चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है। इसका मतलब x = 2 पर फलन उच्चिष्ठ होगा, एवं यह मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x = 2 पर फलन का उच्चिष्ठ मान, जो कि व्यक्त होगा f(2) से, वह हमें मिलेगा 2 − 2 की घात 6 × 2 − 3 की घात 5, इसकी वैल्यू बनेगी 0, जिससे ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0। तो x = 2 पर हमें उच्चिष्ठ मान मिल जाएगा 0। ये आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यदि इस पॉइंट की बात करें जब x का मान <2 होगा, तो मान लेते हैं x का मान है 1.9। इस पर यदि आप dy/dx का मान ज्ञात करेंगे तो वह हमें मिलेगा 1.9 − 2 की घात 5 और 1.9 − 3 की घात में आ जाएगा 4 और गुणा में आ जाएगा 11 × 1.9 − 28। यदि आप इसको हल करें तो इसकी वैल्यू बनेगी माइनस, जिसकी घात है विषम संख्या, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस। हम मान नहीं ज्ञात कर रहे, सिर्फ उनके जो चिन्ह है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आएगी माइनस, लेकिन घात बन रही है सम संख्या, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस, और यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी माइनस। ओवरऑल यदि हम ध्यान दें तो −− बन जाएगा प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी प्लस। और मैंने यही यहाँ पर शो किया है कि जब x का मान 2 से कम होगा तो dy/dx की वैल्यू बनेगी पॉजिटिव। इसी प्रकार जब x का मान 2 से हो बड़ा, तो मान लीजिए कि हमने x का मान लिया है 2.1, इस पर यदि मैं dy/dx का मान ज्ञात करूँ तो आएगा 2.1 − 2 की घात 5, 2.1 − 3 की घात 4 और 11 × 2.1 − 28। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, जिसकी घात चाहे कुछ भी हो ये वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पर आएगा नेगेटिव, लेकिन ऊपर घात बन रही है सम संख्या, तो ये वैल्यू भी आएगी पॉजिटिव। इसी प्रकार ये वैल्यू 28 से कम बनेगी तो ये वाला अंतर बन जाएगा नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू बनेगी नेगेटिव। और मैंने यहाँ भी यही शो किया है कि जब हम x का मान 2 से बढ़ा लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव, और जब चिन्ह प्लस से माइनस हो तो वह उच्चिष्ठ बिंदु से होकर जाता है, यानी x = 2 इसके लिए उच्चिष्ठ बिंदु होगा, यानी फलन का मान उच्चिष्ठ होगा, और उच्चिष्ठ मान हमने ज्ञात कर लिया है। एग्ज़ाम में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप इतना भी लिख कर आ जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु x = 3, यदि हम उस पर पूर्व की भांति लेस देन 3 पर
डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो वह पॉजिटिव मिलेगा, और एक्स का मान जब 3 से बड़ा होगा तो भी डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है, यानी यहाँ पर चिन्ह में कोई फर्क नहीं होगा। और यदि किसी बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स के चिन्ह में परिवर्तन ना हो तो उस बिंदु पर फलन का मान न तो उच्चिष्ट होता है और न ही निम्निष्ट। ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बिंदु बन रहा है 28 बटे में 11। यदि हम इस पर जांच करें तो x लेस देन 28 बटे 11 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान का चिन्ह वह आएगा नेगेटिव, और x ग्रेटर देन 28 बटे 11 पर यदि हम डी वाई बाई डी एक्स के मान का देखें चिन्ह तो वह आएगा पॉजिटिव, यानी इस बार चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर निम्निष्ट मान होगा, और ये मान जब हम समीकरण एक में रखेंगे तो x बराबर 28 बटे 11 पर हमें फलन का निम्निष्ट मान मिलेगा। तो समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो बन जाएगा 28 बटे 11, और ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 28 बटे 11 माइनस 2 की घात में 6, और 28 बटे 11 माइनस 3 की घात में 5, जिसको यदि आगे हल किया जाए तो इस स्टेप का पहले एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 28 माइनस 22 बटे में 11 की घात 6, 28 माइनस 33 बटे 11 की घात में 5, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 6 बटे 11 की घात 6 और माइनस 5 बटे 11 की घात आ जाएगा 5। माइनस की घात बन रही है विषम संख्या, तो इससे ओवरऑल बनता है माइनस, शेष बचेगा 6 की पावर 6 बटे 11 की घात 6, 5 की घात 5 बटे 11 की घात 5, ओवरऑल वैल्यू बनेगी माइनस 6 की घात 6, 5 की घात 5, और बटे में आ जाएगी 11 की घात में 11, और यही इस फलन का निम्निष्ट मान होगा और फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक, एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए यदि इसका अवकलन करें तो डी वाई बाई डी एक्स का मान मिलेगा यू इन टू वी से, जिसमें फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का अवकलन करें तो e की पावर x, और सेकंड को छोड़कर यदि फर्स्ट का अवकलन करें तो पहले घात का अवकलन होगा 2 गुणा में x माइनस 1 और x माइनस 1 का 1। इसको आगे सॉल्व करने के लिए e की पावर x को कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में x माइनस 1, जिसमें से यदि हम चाहें तो x माइनस 1 भी कॉमन आ सकता है, शेष बचेगा x माइनस 1 और प्लस में 2, यानी ओवरऑल आएगा e की पावर x इंटू x माइनस 1 और एक आ जाएगा x प्लस 1, जो कि dy वाई बाई डी एक्स का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। यदि हम चाहें तो यह और आगे भी हल हो सकता है, जिससे e की पावर x इंटू बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यदि हम इसका एक बार पुनः अवकलन कर लें, जिससे कि हम एक्सट्रीम पॉइंट की जांच कर पाएँ, तो d2y/dx2 का मान हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का अवकलन 2x प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन e की पावर x, यानी ओवरऑल दूसरे अवकलज का मान मिलेगा e की पावर x कॉमन आने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स को रखते हैं 0, जिससे हमें मिलेगा e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल 0, जिसमें ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसका भाग लगा दें तो शेष बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू दी 0, जिससे x के मान हमें प्राप्त होंगे 1 और माइनस 1। इन दो मानों पर हम लोगों ने दूसरे अवकलज का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले x बराबर 1 पर हम लोग d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं, जो आएगा e गुणा में 1 माइनस 1 प्लस 2, यानी ओवरऑल आ जाएगा 2e, जो कि होगा पॉजिटिव। इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट होगा, एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर रखते हैं 1।
जिससे हमें मिलेगा 1-1 का स्क्वायर गुणा में e की पावर 1, ओवरऑल वैल्यू आएगी 0। ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर हुआ। नेक्स्ट है x बराबर -1 पर जब हम d2y अपॉन dx2 का मान ज्ञात करेंगे तो वैल्यू आएगी e की पावर -1 गुणा में 1-1 और -2, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी -2/e यानी <0। इसका मतलब x बराबर -1 पर फलन उच्चिष्ट होगा। और फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में x के स्थान पर रखते हैं -1, तो हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस, जो कि बन जाएगा 4/e। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा।